नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सवाई जयसिंह कछुआ वंश में सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी यह है कि इन्होंने 1740 में अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ करने वाले ये अंतिम हिंदू शासक थे। इसके बाद किसी भी शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन नहीं किया। इस अश्वमेध यज्ञ के जो ब्राह्मण थे वो पुंडरीक रत्नाकर थे, और इस यज्ञ में जो घोड़े छोड़े गए उन घोड़ों को सबसे पहले रोका कुंभाणी राजपूतों ने रोका। तो इस प्रकार हम देखें तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतिम अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा करवाया गया। तो अंतिम अश्वमेध यज्ञ हिंदू शासक सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। इस यज्ञ के ब्राह्मण पुंडरीक रत्नाकर थे, और इस यज्ञ के घोड़ों को कुंभाणी राजपूतों द्वारा रोका गया। इसके बाद सवाई जयसिंह ज्योतिष के बड़े ज्ञाता थे, और उनके काल में ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई। तो ज्योतिष के क्षेत्र में जब हम इनकी उपलब्धियों की देखें तो इन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक ज्योतिष के ऊपर पुस्तक थी, जयसिंह कारिका नामक पुस्तक की रचना की। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के ऊपर जयसिंह कारिका नामक पुस्तक की रचना की। इसके अलावा इनके समय जितनी भी ज्योतिष सारणियाँ प्रचलित थी उन सभी का संकलन इन्होंने करवाया, और उसको संकलन करवाकर एक सेट तैयार करवाया। उस सेट का नाम मोहम्मद शाही, जिज मोहम्मद शाही, तात्कालिक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के नाम पर जिज मोहम्मद शाही रखा। अर्थात जिज मोहम्मद शाही क्या है? जिद मोहम्मद शाही सवाई जयसिंह द्वारा तात्कालिक ज्योतिष पर जितनी भी सारणियाँ प्रचलित थी उन्हीं का संकलन करवाकर जो सेट तैयार करवाया गया उसे ही जिज मोहम्मद शाही कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने प्रतिनिधि मंडल अनेक देशों में भेजे। जैसे इन्होंने पुर्तगाल की जो शासक थे एमैनुअल के दरबार में भेजा। एमैनुअल ने भी जेवियर डिसिल्वा को अपने दूत के रूप में इनके दरबार में भेजा। तो पुर्तगाल में इन्होंने अपना दूत भेजा, और पुर्तगाल के शासक ने अपना दूत जयपुर भेजा। इसके अलावा इन्होंने विदेशी जो ज्योतिष एवं गणना करने वाले ग्रंथ थे उनका संस्कृत भाषा में अनुवाद करवाया। जैसे यूक्लिड की जो रेखा गणित है उस यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया? जगन्नाथ ने। फ्रेंच ग्रंथ ज्योतिष ग्रंथ लेगोथोरियम जो है उसका अनुवाद, फ्रेंच ज्योतिष जो है उसका अनुवाद विभाग सारणी के नाम से केवलाराम ने किया। विभाग सारणी क्या है? फ्रेंच ज्योतिष ग्रंथ के लेगोथोरियम के का संस्कृत अनुवाद जिसका अनुवाद केवलाराम ने किया वही क्या कहलाता है? विभाग सारणी। इसके अलावा अरबी ग्रंथ उकर जो है उसका अनुवाद नैन मुखोपाध्याय द्वारा करवाया गया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सवाई जयसिंह ने विभिन्न जो ज्योतिष ग्रंथ थे जो कि विभिन्न विदेशी भाषाओं में थे उनका संस्कृत भाषा में अनुवाद करवाया, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ था वो था यूक्लिड का रेखा गणित जिसका अनुवाद जगन्नाथ ने किया, दूसरा था फ्रेंच ज्योतिष ग्रंथ लेगोथियम जिसका अनुवाद विभाग सारणी के नाम से केवलाराम ने किया, इसी प्रकार अरबी भाषा में लिखित ग्रंथ उकर का अनुवाद नयन मुखोपाध्याय द्वारा करवाया। इन उपलब्धियों के अतिरिक्त उन्होंने स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में ही ग्रहों के अध्ययन गति का अध्ययन करने के लिए 5 वेधशालाएँ बनवाई। ये वेधशालाएँ कहाँ कहाँ बनवाई? जिनको आजकल जंतर मंतर कहा जाता है। सबसे पहले दिल्ली, सबसे पहले बनवाई कौन सी? दिल्ली। तो कहा पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम वेधशाला कौन सी है? दिल्ली। दूसरी बनवाई जयपुर जो सबसे बड़ी है, जयपुर में दूसरी बनवाई जो सबसे बड़ी है, और इसमें विशेष तौर पर 2 यंत्र हैं जिनमें एक दूरी या ऊंचाई नापने वाला यंत्र है जिसे राम यंत्र कहा गया है, और दूसरा एक घड़ी है जो सूर्य के किरणों के आधार पर समय की गणना करती है उसे सम्राट यंत्र कहा जाता है। इसके अलावा तीसरी मथुरा, चौथी बनारस और 5वीं उज्जैन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन्होंने ग्रहों की गति का अध्ययन करने के लिए 5 वेधशालाएँ बनाई जिनको जंतर मंतर कहा जाता है। ये 5 कौन कौन सी हैं? दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस और उज्जैन। इनमें दिल्ली सबसे पुरानी है, जयपुर सबसे बड़ी है, जयपुर की वेधशाला में 2 प्रमुख यंत्र राम यंत्र और सम्राट यंत्र स्थित हैं। इसके अलावा इन्होंने 18 नवंबर 1727 को बंगाली स्थापत्यकार विद्याधर भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक नया शहर बसाया जिसे जयपुर नाम दिया,
जो कि सिंधु सभ्यता के बाद में नगर नियोजन के आधार पर सर्वश्रेष्ठ शहर माना गया है। इसी से जयपुर को बाद कालांतर में इन्होंने आमेर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया, और इसके अलावा इन्होंने जयपुर में नाहरगढ़ का किला बनवाया, जयपुर में इन्होंने जल मंदिर अथवा जल महल बनवाया, गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया, चंद्र महल बनवाया जो कि 7 मंजिला एक महल है जिसे कालांतर में सिटी पैलेस कहा गया। इसके अलावा इन्होंने जयगढ़ का जो किला है उसमें एक शस्त्रागार बनवाया। उस शस्त्रागार में विश्व की सबसे बड़ी तोप, सॉरी विश्व की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी तोप निर्मित हुई जिसे जयबाण तोप या रणथंकर तोप के नाम से जाना जाता है। इस तोप को केवल एक ही बार चलाया गया और उसका गोला जहाँ पर पड़ा उसी चाकसू में गिरा जिसे गोला का बास के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जयसिंह द्वारा अनेक ऐसे कार्य सांस्कृतिक कार्य किए गए जो उनको उनकी राजनीतिक उपलब्धियों के अतिरिक्त सांस्कृतिक उपलब्धियों, साहित्य, संस्कृति, ज्योतिष, स्थापत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए सदा सदा के लिए अमर करती है। और जयपुर की स्थापना, जंतर मंतर वेदशालाओं की स्थापना और ज्योतिष के क्षेत्र में विभिन्न ग्रंथों का संकलन उन्हें एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में स्थापित करती है। धन्यवाद।